अच्छा मम्मा को समझ ही नहीं आया हार्ट अटैक से। अब ठीक है कहाँ है? एक बार फिर से करो, सीधा करो, फिर सीधा कर तो करो एक बार। अब नहीं आ रहा, सीधा ही करना पड़ेगा। ये तो बोल रहा था कि ऐसे होगा कुछ हुआ ही नहीं ये बोल रहा तो था वो थ्री वाला दबाओ ना, ये थ्री वाला, इसमें कुछ होगा भाई। YouTube कुछ बोल रहा था इसलिए हम लाइव आए हैं और हमारे साथ हो गया प्रैंक। तो अब हम जाएं या रुके, आप बताओ। अभी कोई आए ही नहीं। आई एम लुकिंग वेरी वेरी भयानक। थोड़े खड़े बालों को सीधा कर लेते हैं। बंद हुआ भी एक टेडी मेडी और उलझे हुए अब टेढ़ा बालों की लट निकाल दे। हाय आंटी, आंटी हाँ तो आंटी तुम्हारे लिए आंटी नहीं हूँ लोगों के लिए। ये तुम्हें किस एंगल से आंटी लगती है? आज तो मैं सारे एंगल से आंटी, क्या मैं भूत नहीं? ऊपर एक व्यूअर है। नहीं हो रहा बेटा, रुको ना, हुआ नहीं। अरे इतने सारे मैसेज और व्यू एक ही है। ओ ऐसे अपडेट नहीं हो रहा। हाय 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 हाय, हम गलती से लाइव आ गए और अब आपके इतने हाय हाय देख के अब हम नहीं जाएं वापस। हेलो फ्रॉम 500 मेरा स्कार्फ लेके, हड्डियां ज्यादा ही दिख रही है कुछ। गर्मी लग रही है। हां गर्मी चालू हो गया भाई। अदिया तो पीछे का वो बल्ब दे दिए, बल्ब बंद कर। हाँ बस चेहरा ठीक चमक रहा है क्योंकि ऑयल है फेस पे। और हेलो मैम, आप कहां? ओ भाई रे, यूट्यूब पे इतने जल्दी? मैं फेसबुक पे लाई आई थी, वहां कमेंट ऐसे धीरे-धीरे चलते थे। और ये दीपिका पादुकोण की हड्डियां छुपा लेते हैं। 1000 है, 1000 हो गए रे, 500 से सीधा है ना। आज हमारी क्या था वो, क्या अपडेट थी यूट्यूब पे? एक अरे रोटेट रोटेट फोन से ऐसे, मतलब आप लाइव आ सकते हो। हमने ट्राई किया, हम तो वैसे हुए ही नहीं। मोए मोए हमारी हो गई, मोए मोए। अब हम लाइव आ गया था, हमने कहा मुंह छुपा के भागने से अच्छा है सामना किया जाए मुसीबत। वैसे आप मुसीबत नहीं है लेकिन पंखा चल रहा है, अच्छी नहीं आई। हाय दिव्या कह रहे हाय हाय हाय। अब मैं कुछ कुछ के नाम पढ़ूंगी, कुछ कुछ के कमेंट्स पढ़ूंगी। अब जब आ ही गए हैं मैदान में, कूद पड़े हैं तो जंग लड़के ही वापस जाएंगे। ओके हैप्पी होली, हैप्पी होली। आज बताऊं आपको, आज इस चैनल पे हाईएस्ट लाइव आ रहे हैं, 1400 आए हैं। इनको क्या हो ना, वो अभी न्यू वीडियो चला है, अभी होली गई नहीं है तो सभी पता नहीं इस साल मेरे मुंह से होली निकल रहा, होली निकल ही नहीं रहा। सो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। और हमारे राजस्थान में होली के दूसरे दिन यानी आज दुल्हनी के दिन राम राम सा होता है, तो ये राम राम सा का दिन है। तो आप सभी को होली का राम राम सा सबके ही होता होगा, पता नहीं हमारे इधर होता है। अभी तेजस कह रहा है इतनी लालची मैं तो हूँ नहीं, लेकिन बच्चों को मैंने लालच कब सिखाया पता नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी अभी मैंने एक वीडियो डाला वो जाके देख के आओ, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया और बाय गॉड मैं उस वीडियो के लिए लाइव नहीं आई हूँ। ओके मैं सच बोलती हूँ, आपको पता ही है सौगन में भी मैंने पहली बार खाई ये बाय गॉड। वैसे मैं सौगन मानती नहीं इसको, मैं सौगन तो वो मानती हूँ जो माता पिता भगवान बोलते हैं। ये मारवाड़ी, ये मारवाड़ी नहीं जानते इसलिए सौगन मत कहो। नहीं सौगंध कसम ये सब हिंदी वर्ड है, मारवाड़ी में होता है क्या होता है गाल। ना ना मम्मा ने गाल काट दी गाल, गाली को गाल बोल रहा है। हेलो हेलो एवरीवन। आपको पता है मेरी क्लास के सारे बच्चों को लगता है कि पता मैं घर पे मारवाड़ी बोलता हूँ, मैं तो हिंदी बोलता हूँ ना घर पे। चलो आज सभी को पता चल गया, आज दिव्या दिव्या ज्यादा हो रहा है। चलो अभी मैं पढ़ती हूँ सबके नाम, तो स्टे ट्यून औरों को भी ले लेके आ जाओ और वीडियो देख के आओ कैसी बनी है, मतलब अच्छी बनी है। आज कप्पू ने काम किया, कप्पू ने कुछ बनाया होली के लिए, उसमें 70% मेहनत कप्पू की है सच्ची में। तो वीडियो देख के वापस आओ और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा लास्ट वो बता देना आप वापस आके, ठीक है। अब मैं नाम पढ़ रही हूँ, आप नहीं पढ़ो, मैं पढ़ती हूं। 14 हो गए, मेरे को दिख ही नहीं रही। लव यू गम, प्रियंका शर्मा हाय। ये कुछ मैसेज जो है हेल्ड क्यों हो रहे, हेल्ड क्या हो रहा है? बोल्ड, हम सिर्फ नाम ही पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। रैंडम कॉइन अनीता शर्मा हेवन एंड मेहंदी साक्षी रवि सिंह जी सुमन मनीषा जट्टा रैंडम क्या नेहा पायल मन शानिया सुनील जोशी अमीला पी क्या मंजू सैन। तो आपको कुछ अपडेट दे दूं,
कि कल हमने होली आउटफिट बनाया था वो आपने देख लिया होगा, आधा बनाया मतलब कि जो ट्राउजर थी वो बना दी, दिव्या के लिए बनाई थी और उसकी टी शर्ट दिव्या बना रही थी। हमारे बीच चैलेंज था और उस चैलेंज को किसने जीता वो तो आज की आप वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। और आज हमने वो टी शर्ट भी कम्प्लीट करके अब भी वीडियो डाली क्योंकि लेट हो गई, क्योंकि अब लेट क्यों हुई वो नहीं बताऊँगी, ये राज की बात है नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही तो है ना। और उसके बाद वो बात छोड़ो, और वो आउटफिट होली आउटफिट के दो वीडियोस हो गए, लेकिन अभी भी होली के व्लॉग मिनी व्लॉग नहीं आए हैं तो उसका वेट कीजिएगा। हमने फुल व्लॉग बनाया है, बनाते 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 व्लॉग बहुत लंबा चला गया, शॉपिंग भी की, फिर होली भी मनाई, फिर हमारे घर मेहमान भी आए और सुहानी वो रैंडम कह रही थी ना उसका, तो इसके चलते वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो हो सकता है कि दो पार्ट में आए या एक पार्ट में आएगा वो तो नहीं पता। आप लोगों ने मुझे बहुत डांटा था कि इन बच्चों के लिए आपने शॉपिंग की और कपू के लिए की नहीं, तो फिर की थी हमने बहुत सारी, फिर कपू की शॉपिंग करने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा और कपू की शॉपिंग के चक्कर में मैं उससे 10 गुना पैसे और खर्च करके आ गई और तो, कपू की शॉपिंग की वजह से आपके वीडियो नहीं आया एक दिन, आपके लिए हैप्पी होली का गिफ्ट ले जाता हूं। क्या लाएगा इसके लिए, खाना होता है गिफ्ट और थ्री क्यूट गर्ल्स डिंपल so, देवी। आप है ना अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी एक बार भेजिए लाइव का लिंक ताकि वो भी आके जुड़े। और हाँ तो ये वीडियो जो आएगी आप जितनी जल्दी डिमांड करोगे उतनी जल्दी आएगी, कल के दिन में आएगी नहीं परसों या तरसों आ सकती है। रेनबो गर्ल थी शायद, रेनबो गर्ल कौन है वो एक है ना, अरे वो जो भाई करके बोलती है, नाम दिखा मेरे को, अरे वो घूमती रहती है ना इधर से उधर। ओके आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट, रुको क्या है उसके लिए कुछ खाने को ही होता है और कुछ खाने का नहीं है, सरप्राइज गिफ्ट यम यम यम। चलो आप होली, हैप्पी होली, आप होली की मिठाई खाइए तेज इसकी तरफ से। एक ही बच्ची थी और सारी कप्पू ने और सारी सुनो तो और सारी कप्पू ने ढूंस ली, एक ही बच्ची वो इतना मीठा नहीं खाता, ये कप्पू का बहाना बना रहा है ना, कप्पू का नाम उसके ऊपर लगा रहा है एज टैग राजी। ए बेटा दिव्या मैं तो रोज इनको डराती हूँ, तू जा एयरबैंड पहन के आ जा ना मम्मा हम दोनों सेम सेम लग रहे हैं, नहीं तो इतना सेम नहीं लगना है, एयरबैंड पहन दे देखो तो ये देखो गाइस, देखो गाइस पहले एयरबैंड पहन के वरना तेरी नई ईयरिंग से नहीं दिखेगी। अरे गाइस सुनो तो गाइस जल्दी लेके आ, नहीं तो फिर मैं तेरे को लूंगी नहीं, चलो मैं अकेले बात करती हूँ दिव्या जब तक मैं ये पढ़ती हूँ लिख के मैं बोल रही हूँ फिर पढ़ हाँ। तो कप्पू को बुलाएंगे थोड़ी देर बस, जैसे 1800 झूठी नहीं देते तो 1800 जैसे क्रॉस होंगे हम कप्पू को बुलाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं सच में ले आएंगे अगर ज्यादा लाइव आ गए तो, इसलिए आप शेयर करो तो लोग आ जाएंगे, फिर हम कप्पू को भी लाएंगे जगह के लाएंगे सोया हुआ सच्ची में। फेसबुक लाइव में तो हम लाते नहीं है पर अगर 1800 इस टाइम में क्रॉस हो गए तो अभी क्या भी लेके आएंगे, किसको कप्पू को, हां कप्पू को सैयद ठीक है। हेलो गाइस अभी मैं आपके कमेंट सीरियसली पढ़ती हूं, नहीं क्या कप्पू तो खरगोश नहीं आएगी, देखो मैंने कहा था ना ये बाल इसके बिखरे नहीं हो तो आधी ढंग की तो लग ही जाती है। अरे गाइस आपको दिखाऊं देखो ब्लैक ब्लैक स्कार्फ स्कार्फ और क्या दिखाऊं ये इयररिंग्स इयररिंग्स। चलो मैं अभी कुछ कमेंट्स पढ़ो, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। ईशु क्या है गेमिंग प्लीज शॉर्ट आउट टुडे इज माई क्या है, अरे ऊपर वो कौन क्राफ्ट ड्रीम गर्ल हाउ आर यू आई एम, आप है ना फटाफट लाइव का जो स्कोर है ना बढ़ा दीजिए 1300 हो गए हैं, 8 एवरी मिनट सेम सेम। बर्थडे किसका है यहाँ पर, बर्थडे किसको विश कर रहे हैं, आप तो मेरे लव योर वीडियोस, अमीशा कुमारी हाय, प्रियंका सिंह, फियाज एक कुछ मैसेजेस ऐसे हाइड क्यों आते, मनीषा गोयल बीटीएस आर्मी, प्रियंका कौशिक, प्रिया अग्रवाल, आर्ट विद वीरा वेलकम, कुल सितारा 1400 सिर्फ 400 बच्चे हैं क्रॉस कर दीजिए, फिर कप्पू क्या क्या बातें करता है आप देखते रह जाइए, अब बोलता खूब है वो पहले बोलता नहीं था, दीपिका गुप्ता इसको पता ही नहीं है ये लाइव वाइव क्या होता है,
लेकिन आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा। हैप्पी होली, आप सभी को हैप्पी होली, होली का राम राम सा। और आपके इस दिन क्या क्या होता है होली का, कुछ थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। विश मी, ओके आपका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, लव यू दी, लव यू टू फ्रॉम हरियाणा। अरे मम्मा आपने कहा ना कि अगर आपने अरे ज्यादा किए ना सब्सक्राइब, मतलब अरे वो अब देखो आई एम तनु नमस्ते 200 नहीं 150 200 ही और बाकी उसके बाद कपूर ले आए 1500 कमेंट 250। हैप्पी होली, हाँ हैप्पी होली आप सभी को, हैप्पी होली। हम होली थोड़ी कम ही खेले थे, हम अकेले अकेले खेलते हैं, अपनी मर्जी की खेलते हैं, दूसरे की मर्जी की नहीं, फिर हम पे भारी पड़ जाती है। आप यूं कह सकते हैं कि वी आर वेरी डरपोक। शहजाद खान लव यू दी फ्रॉम अजमेर, वाओ अजमेर, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला अपने राजस्थान में। आए निको, इधर का है वहाँ पे डिम्पल तेली, हाय देव, हेलो जी देवेंद्र। 1700 तो हो गए हैं और आपकी कोशिश जारी है, ये देखो मतलब मैं मान जाती हूँ आप लोगों को। 300 और चाहिए उसके बाद कप्पू आएगा। हो गए, हो गए अभी, ये तो मैं उठा रही हूँ, तेरे को लाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे यहाँ रहेंगे नहीं तो कुछ दिक्कत आएगी। नानी को बोलना, नानी गुस्सा मत होना, नानी गुस्सा ना हो जाए, अच्छे से मना के लाना कि नानी कप्पू सो जागता, हमारी जिम्मेदारी, हम वापस सुलाएंगे। अब देखो वादा किया है तो कप्पू की नींद जागेगी तो जागेगी, नानी गुस्सा होने वाली है, डांट भी सकती है। अब दोनों गए हैं, अब बच्चों को लाइव देके मैं जा भी नहीं सकती, देखते हैं क्या होता है। आप इतने ही रहे, डाउन मत जाइएगा, ऊपर जा सकते हो, कितने जुड़ सकते हैं देखते हैं। अब 1800 कोई फिक्स नहीं है, आप चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो उधर नानी से बच्चे लड़ाई करके आ जाए, भारी पड़ जाए हमें ये लाइव। तो कमेंट पढ़ते हैं, आयुष ड्राइंग विद जेस, हाय रॉक्स लक्ष्मी फ्रॉम पाकिस्तान, वेलकम जी, लव फ्रॉम पाकिस्तान, माय बर्थडे। अच्छा आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी। 2400 आज अपने रिकॉर्ड तोड़ देने, आज तक के ये हाईएस्ट अपने 2400 लाइव आए हैं, आज रिकॉर्ड तोड़ देने हैं क्योंकि 5 मिलियन अपने होने ही वाले हैं। आई थिंक 74,000 है तो 25-26,000 कम है, आज तो नहीं हो सकते, आई थिंक नहीं हो सकते और होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जैसे ही 5 मिलियन होंगे मैं लाइव आऊँगी पक्का, और उस दिन हमें आज वाला रिकॉर्ड तोड़ना है, और आज का तो रिकॉर्ड वैसे ही हाईएस्ट है ही। चलो बुन्नी कृतिका अरिशा अशोक पटेल, हाय हाँ हेलो, मुझे नहीं करना था मोनेटाइज से, क्या करना मोनेटाइज से, कोई नहीं बाद में कर देंगे, मैं कभी नहीं करती, मुझे बाद में याद आता है, चलता है। मलकित हाय हेलो दिशा, हेलो कैसे हैं आप, और प्रांजल बढ़िया हूँ मैं, हाय क्या बोला आपने, टेल मी, बच्चे गए हैं कोशिश कर रहे हैं, क्या हुआ मुझे नहीं पता, कहीं कप्पू यहाँ आके रोना ना शुरू कर दे नींद में उठाए तो, वैसे वो नींद में उठा हुआ कभी नींद में उठा हुआ लगता ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उठने के बाद उसे लगता है मैंने कोई जंग जीत ली है, मतलब कच्ची नींद में भी जगा दोगे ना खुश हो जाएगा कि अभी खेलने को मिलेगा। और अब देखते हैं कि वो क्या किस हाल में आता है। मोबाइल नंबर हैप्पी होली जी, वेर इज दिव्या, प्लीज आ रही है दिव्या, नानी ने झगड़ा नहीं किया, डांटा नहीं, क्या बोला, आ रहा है अभी, नानी ने बोला नहीं क्यों जगा रहे, फिर सोएगा नहीं, हमने कह दिया कि नहीं, नानी ने सिर्फ ये कहा कि जगा क्यों रहे, दीदी ने कहा कि सब्सक्राइबर्स, हे मम्मा मम्मा सपोर्ट करना था, जुड़ गया ये देखो उले कप्पू, इसको पता ही नहीं, ये देखो कप्पू, अरे इसको नींद आ रही है, एक मिनट देखते नहीं, ले मेरे गोद में सोएगा, सो नहीं कर गोना को, सोन दे, सोना है। अब देख लो लाइव आ गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उठाने के बाद इसको नींद आ रही है, कौन है वीडियो पे, कब फोटो, सो जा आंखें बंद करके सो जा, लाइव हो गया, सो जा कपूर लाइव है।
अब देखो हमने अपना वादा तो निभा लिया, अब बच्चे को नींद आ रही है तो दुख नहीं दे सकते। सोच सोचो माँ सोचो ओलो 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 हम 5 मिलियन पे आएंगे तब इससे बातें करवाएंगे। कितना सोया हुआ बच्चा इतना क्यूट लगता है, खास करके वो बच्चा जो पूरे दिन शैतानियों में लगा रहता है। धूप को लोगी ना तो फिर ये सोएगा भी नहीं, धूप को ला लो काम। सही बताऊं मैंने तो इतना सोता हुआ अभी सामने से आज ही देखा है। आज तो इसे को क्या बोलते मेरे में टाइम टाइम का बोल दिया क्या गैस जाके कौन जाएगी बेटू सोच आंखें बंद कर क्या बोलेगा बैठा रहेगा मेरे पास बैठा बैठा जमीन पे सो जाएगा बोलेगा नींद आई है आंखें बंद कर आज रियल में नींद आई है अब इसको सोना नहीं है अब जा वापस जाके सो जाते रूम में जा जाके सो जा कप्पू जाके सो जा 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 नानी के पास से वापस जाके सो जा फिर नींद उड़ जाएगी नहीं जाना नहीं जाना तो यहाँ सोना है तो सो जा यहाँ तो जाओ बाय नहीं रोना नहीं अरे बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे रोना नहीं है कप्पू बेइज्जती हो जाएगी रोना नहीं है बनी बनाई इज्जत खराब कर देगा कबूल होने नहीं है बाय ओके बाय मेरे को बोल रहे हप अरे इधर आ नहीं इधर ये कबू के पीछे अब सब्सक्राइबर्स वापस घर जा रहे हैं नहीं अब सोने दो रे बच्चे को दुख नहीं देना ये तो हमारा प्रॉमिस था इसलिए बाकी मैं कभी ऐसे मेरे भतीजे को दुख नहीं दे सकती भाई को पहली बार मैंने नींद से जगाया मुझे पाप होगा तो भी पता नहीं जगाया अब आप जा रहे हो वापस ठीक है जाओ जाओ कोई बात नहीं कंटेंट तो आपको हम ही देंगे कप्पू के पीछे हो गए थे कोई आपने 1800 अरे कोई बात चलता अभी वो 2200 नहीं 2300 थे अब मैं सॉरी लिख रही हूं प्लीज से माय नेम आपका नाम ऊपर चला गया मेसी बर्ड लव फ्रॉम शिमला कौन है सुखदीप मैंने बच्चे को दुख दिया मैं अंदर से दिल दुख रहा पर थोड़ा सा दुख दे के आप सब खुश हो गए बस एक ही बात आप इतना रात क्या बोले आप कुछ क्राफ्ट करो अभी लाइव में दिया के बाल काट दूं आंखों में गुजरे क्वालिटी थोड़ी बढ़ाओ हमने बिल्कुल घटी वो वाला हमने वॉल हैंगिंग कल परसों ही रिक्रिएट किया मतलब कि पहले किया हुआ था उसको ये दो दिख रहे हैं ये ये दिव्या का आज तक के मेरे चैनल पे हाईएस्ट वीडियो ये वाला है 44 मिलियन और ये इधर वाले ये चाचा चौधरी और चाचा चौधरी ये वो बनाया अरे यार कौन वहाँ करो किधर अरे यार इतना दूर है आपको कुछ दिख नहीं रहा दिखेगा उस साइड करो ये वाला थैंक यू सो सो मच आपको इतना ज़्यादा साथ में देखकर दिव्या की एज क्या है अभी 13 की होगी 13 की होने का बड़ा शौक है मैं तो कहूँगी 12 की मामा हाँ मैं 11 का होगा अच्छा हाँ दिव्या यू आर माय सिस्टर वाओ अरे रुको मामा आपको नींद आ रही है दीदी मेरी सिस्टर है आप मेरे भाई हो आप मेरी बहन हो कौन आप मेरे भाई हो इस साइड वाले आप इस साइड वाले बहन हो इधर बोल रहे हो हाँ मुझे लगा मुझे बोल रहे आज क्या हो गया इसको दिव्या कुकिंग वीडियो बनाया कब आई आज एक वीडियो बनाया आ जाएगा जल्दी ये लोग बोल रहे हैं दिव्या पिकनिक कब आई वो कितना सुंदर लग रहा था आपसे कुछ बोल रही हूँ क्या बोला दिव्या वो पिकनिक कब की आ गई थी मैंने वीडियो लेट डाला थोड़ा बहुत लेट पेंटिंग अच्छा ये बोल रहे टी शर्ट पे पेंटिंग लव फ्रॉम लाहौर मुझे छींक आएगी और आप सब डर जाओगे मैं छींक करती हूँ माइक सुनाई दे जाती दी आई एम फ्रॉम असम पप्पू ऐसे लिखा हुआ था पप्पू आप सिंदरी चरप ऐसा कुछ लिखा लव फ्रॉम चंडीगढ़ लव फ्रॉम नासिक वेलकम पाकिस्तान वेलकम आर्टिस्ट फैमिली हैप्पी होली तेजस थिंग्स क्या अब ऐसा करेंगे 5 मिलियन के बाद हम कुछ फिक्स करेंगे कि लाइव आते रहेंगे
कितने पे आए ये बताओ? फेसबुक पे हमेशा आते हैं। हर दो दो लाख पे आए या एक लाख पे आए, कब आए बताए? या पाँच पाँच लाख पे आते रहे? ग्यारह ग्यारह कब कब आए आप बताओ? हेलो हैप्पी होली, हैप्पी होली, अब ज्यादा हैप्पी होली। जैसे पचास लाख के बाद इक्यावन लाख होगा तो हम लाइव आ जाएंगे, फिर बावन लाख पे आ जाएंगे, फिर तिरपन लाख पे आ जाएंगे, तो ऐसे करते करते हम हर एक लाख पे आने का सोच रहे हैं। कुछ नहीं, जब पक्का ही बता देंगे आपको, ये ठीक रहेगा थोड़ा। मुझे आज आपके साथ लाइव गलती से आ गई, पर फिर भी अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गलती से नहीं आई, मतलब कुछ ट्राई, न्यू ट्राई करने के लिए आए थे और मोई मोई हो गए हमारे साथ। आई लव यू दिव्या, गमू फैन, मैसी बर्न, कैसे क्या वन रैक दिव्या, आपका मैसेज तो लंबा सा आ रहा है ना मेरा। क्या अपना फेवरेट मूवी क्या है? जो मूवी देखते हैं तब तक वो फेवरेट होती है, फिर अगली देखने का मन हो जाता है। अभी तो हमारी लास्ट फेवरेट वो वाली है, तेरी बातों में ऐसा हो जाए। लव फ्रॉम राजस्थान, लव फ्रॉम तेलंगाना, फैन फ्रॉम जम्मू, थैंक यू जी अनीता जी, यू आर सो क्यूट, हैप्पी बर्थडे। कबू का कबू रहा है, आई लव यू दिव्या, ये क्या है? कौन सी क्लास में हो दिव्या? नाइन्थ में आई है। देखो इतनी छोटी सी बच्ची नाइन्थ में आई है, मेरे को भी आना है। पता है, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं कल परसों मम्मा की स्कूल गई थी, वहाँ पे एक लाइब्रेरी में एक लड़की थी, उसने मेरे से पूछा तू कौन सी क्लास में आई है, मैंने बोला नाइन्थ में। वो लड़की मेरे से जिद करने लगी कि नहीं तू नाइन्थ में हो ही नहीं सकती है, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं सिक्स में बैठी हूँ। फिर वो है ना भाग के मम्मा के पास गई दूसरी क्लास में और फिर पूछ के आई। अरे हाँ, एक लड़की आई तो थी मेरे पास। हाँ तो फिर बोल रही थी कि मैंने क्या कहा था, मैं ऐसे कुछ कर रही थी। हाँ तो फिर वो मैंने ना मैंने बोला था, मैंने कहा था ना कि मैं नाइन्थ में आई ऐसा। हाँ ऐसा कुछ, अभी मुझे याद आया ये किस्सा। और जब ये स्कूल जाती है ना, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सुबह से शाम तक पढ़ाती रहे ना, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाती है ये सुबह से शाम तक, मतलब कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाती रहे ना, तो वो बच्चे थकते ही नहीं। बाकी वाले बच्चे आते हैं और क्लासेस के आके बोलते हैं दिव्या को हमारी क्लास में भेजो, हमारी क्लास में भेजो। और ज़्यादातर एज गेम्स पढ़ाती है, मतलब गेम के साथ साथ, तो उनको इतना पता ही नहीं चलता कि पढ़ाई हो रही है या ऐसे स्ट्रिक्टली पढ़ा रही, वैसे कुछ लगता नहीं है। और डर तो वैसे ही लगता है, तो उनको इसके साथ अच्छा लगता है, और इन सब के चलते बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। और उस दिन फिर मेरी भी क्लास लेने का ऐसा मन नहीं होता कि मैं जाके ये क्लास डिस्टर्ब करके फिर बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ। पूरे दिन में बच्ची थक जाती है फिर। तो इस बार क्या हुआ, मैं तेजस को लेके गई, क्योंकि तेजस घर पे है ना लड़ाई झगड़े करता है, तो मैं स्कूल लेके गई 2-3 दिन। अब वो स्कूल वाले सारे बच्चे बोल रहे दिव्या को लेके ही आना, तेजस बोला मम्मा मानेगी नहीं और लेके आएगी नहीं। तो फिर उन बच्चों ने तेजस को रिश्वत दी तेजस को बोला तेरे लिए, कोई बच्चा बोला तेरे लिए भुजिया लेके आएंगे, कोई बोला टॉफ़ी लेके आएंगे, कोई बोला वो क्या आते हैं मेंटोस, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं छोटी मोटी, वो सब ने बोला मैं ये लाऊंगा, मैं ये। कल दिव्या को कैसे भी लेके आना, मम्मा को मना के दिव्या को लेके आना। एट्थ वाले बच्चे, एट्थ वाले नहीं, सेवन्थ वाली लड़कियाँ, सिक्स वाली लड़कियाँ और फिफ्थ फोर्थ सारी जो भी लड़कियाँ लड़के, वो बोले कि तेज कुछ कुछ हम लेके आएंगे, तुम दिव्या को लेके आना। अब क्या हुआ, दोनों को लेके कैसे जाऊँ आगे स्कूटी पे, और हम और एक मैडम है हम साथ में जाते हैं, तो फिर मैं दिव्या को लेके नहीं गई। अब तेजस को ये टेंशन थी कि दिव्या को लेके नहीं जाएंगे तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। अब तेजस रात को सोने तक मुझे परेशान करता रहा। फिर मैंने कहा तेजू बेटा कुछ भी वो तेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे ना तेरे को दे ही देंगे, दिव्या नहीं भी आएगी तो भी वो वापस लेके नहीं जाएंगे। फिर दूसरे दिन तेजस गया, तेजस को बहुत सारी चीज़ें मिली और दिव्या नहीं मिली उनको। फिर अगले दिन मैं लेके चली गई, मैंने कहा बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दिन दिव्या को लेके गई, फिर दिव्या सारी क्लास में घूम के आई, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आई, थोड़ी थोड़ी बातें करके आई। और अब मैं सीधा जाऊंगी 30 तारीख को। एक दिन वो बोल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं एक बार लाना, और इसका भी मन है, अब देखते हैं। अब मैं भाई इसके जाने से इसका नुकसान होता है, मेरी स्कूल के बच्चों का नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, ये पढ़ा देती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेरा क्या नुकसान होगा? उस दिन ट्यूशन नहीं जा पाएगी। अच्छा अरे उस दिन रिजल्ट भी बताना पड़ेगा मैम को। कौन सी मैम? ट्यूशन वाली। वापस आके बता देना, फोन पे बता देना।
तो 30 को आने वाला दिव्या का रिजल्ट, 23 का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। इस बार मेरा बहुत, इस बार दिव्या सेकंड पेपर में ही बीमार पड़ गई थी, इसलिए दिव्या का वेट भी 4 किलो कम हो गया। और सेकंड पेपर से लेकर अभी, मतलब अभी क्या, पेपर जाने के बाद भी 2-3 दिन ऐसे पड़ी रहती थी, खांसी तो अभी भी हो रही है। तो उसके चलते इसके एग्जाम एग्जाम में 4 किलो वजन कम हो गया। क्या बताऊँ, इस बार एग्जाम सारी, तो इसलिए एग्जाम, पर फिर भी जैसा गया अच्छा गया। हम ये बहाना नहीं बना रहे हैं कि ये अच्छी, इसकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मार्क्स कम आएंगे, वो बहाना मैं बिल्कुल नहीं बना रही। जैसे भी आएंगे अच्छे आएंगे, बढ़िया आएंगे। ओके, तो अब हम करते हैं बाय। बहुत ज़्यादा ही हो गया टाइम, इतना सोचा भी नहीं था, 25 मिनट हो गए। गुड नाइट, और मिलेंगे 5 मिलियन पे पक्का पक्का। उसके उस दिन डिसाइड करेंगे कि फिर बाद में हम किस गैप से वापस आते रहेंगे, कब कब आते रहेंगे लाइव। हम ऐसा कर सकते हैं, लाइव का हम दिखा सकते हैं इनको, मतलब 5 मिलियन का लाइव काउंट आता है ना, ठीक है हम पर वो है ना, कभी भी दिन में हो जाता तब हम लाइव कैसे आएंगे, ऐसे जरूर थोड़ी शाम को ही होगा 5 मिलियन। हाँ ये बात है, लेकिन अगर ना सही करेक्ट टाइमिंग हुई तो फिर आ सकते हैं। शाम का टाइम हुआ तो आ सकते हैं, मुश्किल है, नहीं होगा तो नहीं। चलो है ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। अब मेरे को ये लाइव काटना भी नहीं आता। एक दिन किसी ने बोला था, एक दिन क्या हर बार बोलता है जब मैं लाइव आती हूँ, इनको लाइव आना तो आता नहीं है ना, यूट्यूबर किसने बनाया। सही बोल रहे जिससे भी बोला है। And, एक बात और बोलनी थी, उस दिन बोलूँगी, चलो छोड़ो ठीक है। और लाइक कितने किए आपने, सिर्फ 500, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, चलो ठीक है।